नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ऑफ लाइफ में। मैं आपके साथ रोहित। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीबी की दवाई को आखिर कितने दिन खाने के बाद टीबी की जो बीमारी है वो फैलना बंद हो जाती है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपकी टीबी आसपास डायग्नोस हुई या अगर आपके परिवार में किसी को आसपास टीबी डायग्नोस हुई है, तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में वो ये आती है कि उस पेशेंट से कहीं परिवार के किसी दूसरे इंसान को तो टीबी नहीं फैल जाएगी। तो ये जो डर है वो तब तक बना रहता है जब तक कि वो उस पर्टिकुलर पेशेंट की टीबी की बीमारी ठीक ना हो जाए। दूसरी बात ये भी होती है, जो टीबी का इलाज होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको भी लेकर जो पेशेंट है या उसके परिवार वाले हैं उसके दिमाग में डर होता है कि कहीं बीमारी जो है फैल ना जाए। तो इस पर मैंने बहुत सारी रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही वो अब मैं आपके सामने शेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको टीबी डायग्नोस हुई या आपके परिवार में किसी को टीबी डायग्नोस हुई है, अगर उसकी दवाई नहीं स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पेशेंट को आपको अलग करना है। अलग करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको घर से निकालिए या उसको त्यागिए। अलग करने का मतलब ये है, जैसे परिवार में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम लोग मिलजुल के करते हैं, जैसे एक ही बर्तन में खाना खाना, कमरा शेयर करना, टॉयलेट शेयर करना, कभी कभी हम लोग कपड़े भी शेयर कर देते हैं, जैसे टावल हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उस पेशेंट को आपको कुछ समय के लिए अलग करना होगा। उसे अलग कमरा देना होगा, उसको अलग टॉयलेट देना होगा, उसके खाने के बर्तन आपको अलग करने, मेक श्योर जो कपड़े वो यूज़ करता है दूसरे लोग उस कपड़े को ना यूज़ करें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो टीबी की बीमारी होती है वो फैलने वाली होती है। हाँ, मैं वो बात अलग है, इसके कुछ वेरियंट ऐसे होते हैं जो नहीं फैलते, लेकिन पेशेंट को नहीं बताया जाता है कुछ केसेस में उसको कौन सी टाइप की टीबी है, उसको ये बता दिया जाता है कि उसको टीबी है। तो जब तक आपको पता नहीं कि टीबी फैलने वाली है या आपको नहीं है, तब तक आपको जो है लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, आपको है सावधानी करनी चाहिए। तो चलिए, आप जानते हैं कि कितने समय के लिए आपको उस पेशेंट को अलग करना है। तो जो इसका आंसर है वो है 30 डेज 30 दिन। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की और रिसर्च के बेसिस पे ये चीज़ निकल के आ रही कि टीबी की दवा को अगर आप 30 दिन रेगुलर खाते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कि आपको बताओ स्टार्टिंग में आपकी लाल वाली दवा चलती, तो जो लाल वाली दवा होती है वो अगर आप 30 दिन स्टार्टिंग के रेगुलर खाते हैं, एक भी डोज मिस नहीं करते हैं, उसके बाद जो टीबी होती है 99.9% फैलने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। वो बात अलग है कि आपकी जो टीबी है वो आपकी बनी रहेगी जब तक कि आप इसका कोर्स जो है पूरा नहीं करते हैं, लेकिन जो फैलने का डर होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर आप 30 दिन टीबी की दवा को नॉन स्टॉप खाते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में डर है कि टीबी की बीमारी आपसे परिवार के किसी दूसरे इंसान को ना फैल जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।